एमएस ठाकुर, गुड मॉर्निंग सर। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है मेरा कि किसी की मृत्यु हो जाए तो सर उनके पुनर्जन्म हुआ है वो हमें पता चल सकता है? देखिए, इस पर आपको डाउट ही नहीं करना चाहिए, आपके क्वेश्चन अच्छे रहते हैं। लास्ट टाइम आप शायद, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप विश कर रहे थे मुझे हैप्पी न्यू ईयर। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, देखिए सभी का जन्म होता है अनटिल अनलेस वो मोक्ष की प्राप्ति न कर सके। और जो लोग हमारे बीच में से जा रहे हैं उनका ओरा इतना सही नहीं है कि वो अभी वो मोक्ष को प्राप्त करने वाले हैं। मोक्ष को प्राप्त करने वाले शख्स कुछ ऐसे रह सकते हैं जैसे श्री साई बाबा, कितने कष्ट उन्होंने झेले हैं, क्या सारी चीजें करी हैं। तो अपने आप को एक बार कंपेयर करके देखो कि आपका ओरा क्या है। अगर कल को मैं आपको आपके 10,000 रुपए लेके भाग जाऊं या अभी आपको गलत मिसगाइड कर दूं तो आपका थॉट प्रोसेस क्या रहेगा? आप गलत सोचना स्टार्ट कर दोगे, एक कार्मिक अकाउंट बना लोगे। लेकिन अगर आप साईं बाबा की सोचोगे तो हमेशा पूरा शरीर, पूरा लाइफ, पूरी सब कुछ उन्होंने दूसरों के लिए समर्पित कर दिया, ना कुछ आने का ना कुछ जाने का, वो वाले थॉट प्रोसेस पे है। अभी भी उनके माध्यम से बहुत सारे लोग भोजन करते हैं, बहुत सारी चीजें करते रहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर वो ओरा आपका बन जाएगा तो समझ लो कि जन्म नहीं हुआ, मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन वो ओरा बना ही नहीं है तो इसमें चिंतन करने की जरूरत नहीं है, जन्म तो होगा ही होगा। अब आपका एक क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चल सकता है? देखिए, ये पता नहीं चल सकता, और नेचर नहीं चाहता कि ये पता चले। अगर आप ये सारी चीजें पता कर लोगे तो जो पूरा एक गेम चल रहा है, पूरा एक जो प्रोग्राम बन के, पूरा एक गेम की तरह सारी चीजें लाइफ चल रही है, तो फिर उसका मजा कहाँ आएगा? अगर वो जरूरी होता तो आपके पास्ट बर्थ भी आपके सामने होते, लेकिन आपके अंदर है, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है, लेकिन आप नहीं जानते हो, वो दूसरी बात है। जब आप अपने आप को हिप्नोटाइज करते हो, अपने भौतिक मन को शांत करते हो, तो आपको पता चलता है क्या समथिंग इज देयर। जब आप सोने जाते हो या मेडिटेशन में जाते हो, तो जब आपका कनेक्शन भौतिक मन से टूट जाता है, तो उस समय आपका मन का जो कनेक्शन रहता है वो सबकॉन्शियस माइंड के, यानी कि अवचेतन मन से रहता है, तो उस समय आपको पता लगता है कि हाँ, सब कुछ पहले भी हुआ है। तो ये जरूरी नहीं है कि हमें पता चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये हमारा जो नेचर है ये भी नहीं चाहता। कविता चन्याल सर, नमस्कार सर। जो हमारे परिजन आत्मलोक में हैं, जब हम दुनिया से चले जाएंगे आत्मलोक में, क्या वो हमको मिलेंगे? देखिए कविता जी, इट्स डिपेंड ऑन की सिचुएशन क्या है। जरूरी नहीं है कि उनकी लाइफ साइकिल तब ऐसा हो कि वो वहां पे बैठे हुए मिले। अभी आप इसको ऐसा समझ सकते हो, जैसे आपके ग्रैंड फादर हैं या ग्रैंड डॉटर हैं या मदर हैं, कुछ ऐसे होंगी, तो वो अभी आज कहाँ होंगे, कभी कितने पहले गए होंगे? क्योंकि ये तो अगर कर्मा है तो जन्म और मरण भी है। इसको सपोज ऐसे इस हिसाब से समझ के चलो, अगर कर्मा जैसी चीज है तो जन्म का होना और मरना भी है। और जब वो सारी चीजें हैं तो देखिए, जो लोग यहाँ से अपनी पूरी आयु को कंप्लीट करके, कह लो या अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करके गए हैं, तो उन्होंने फिर से जन्म लिया होगा। तो जब आप जाओगे तो वो कहीं बच्चे होंगे, माइट भी हो सकता है कि उनके हिसाब से सबको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि कहीं जैसी आपकी एज है, जब यहां से जाओगे तो इस एज में भी कहीं हो, कुछ भी हो सकता है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि मिलेंगे ही, लेकिन इट्स वेरी नेचुरल कि बहुत सारे लोग मिलते हैं, क्योंकि हर एक शख्स की लाइफ साइकिल अलग अलग होती है, तो कुछ कुछ समय मिलते हैं। और इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन कि हाउ कर्मा यू आर डूइंग, कि कर्म को कैसे कर रहे हो, बुरा तो नहीं बना रहे हैं, फिर आपको कोई लेने भी नहीं आता। प्रियंका कुदापे, प्रियंका पूछ रही, कभी कभी ऐसा लगता है मैंने सही डिसीजन नहीं लिया, दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करके मैं बस पापा को बचाना चाहती थी, पर मन में भी गिल्ट फील कर रही हूं। प्रियंका, ये गिल्ट आपको आएगा ही। अब वे गिल्ट नहीं आएगा तो आप कैसे बात करोगे कि आत्मा भी होती है, सुभाष भी है, प्राचीन कान्या चैनल है जो स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, हमारी तरफ कैसे आओगे, हमारे परिवार को कैसे बढ़ाओगे? अगर वो गिल्ट ना होता तो आप यहाँ आते ही नहीं हो। आपको जैसे वो मटेरियलिस्टिक चीजों में घिसे पड़े हो पहले से, आप पैसा कमाना, जॉब जानी है, स्टडी करनी है, ये करना वो करना है, जो रियल एक इंपॉर्टेंट चीज है उसको तो आप भूल जाते। लेकिन ये इंसिडेंट हुआ क्योंकि आप टर्न ऑन हो गए, आप उधर घूम गए, इंपॉर्टेंट तो ये है, लेकिन आपकी साइकोलॉजी ये वर्कआउट नहीं कर रही, स्टिल वर्कआउट नहीं कर रही। तो देखिए, ऐसा करती वैसा हो जाता, वैसा करती ऐसा हो जाता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो आपको उस समय करा ही इसलिए जाता है कि ताकि ना हो। अगर ऐसा करते वैसा हो जाता तो देखिए आज संसार भर जाता,
कौन परिजन चाहता है कि उसके जिसे वो प्यार करते हैं या जिसके वो बच्चे हों या उनके माता पिता यहाँ से चले जाएं? अगर हमारे हाथ में होता तो हम 1000 ईयर्स के लिए भी उनको रखते, और 1000 ईयर्स के हम हमेशा के लिए उनको रखते, तो कौन चाहता है? आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई भी चाहता है। सब चाहते हैं कि हमारे परिजन यहाँ पे रहें, हमारे साथ रहें, और हम तो ये भी चाहते हैं कि यंग रहें, जैसे आज मैं और आप देखते हूँ, इस तरह से रहें ताकि हम जिस हिसाब में उनका यूज कर रहे हैं वो यूज करते रहें। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूं। गोलू जॉर्डन, कैसे पता करें कि आत्मा ने जन्म लिया है? नहीं, देखिए इस पे एक स्टैंडर्ड थ्योरी यह है कि 5 महीने के अंदर जन्म ले लेते हैं। कुछ सोल के कार्मिक अकाउंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उनको कैसा गर्भ चाहिए, तो उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। कुछ लोगों का ये भी रहता है कि सपने माना बंद कर देते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये रहना कि आपके सपने माना बंद कर देते हैं लेकिन दूसरे के, क्योंकि अगर आप स्टेबल नहीं हो तो बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस रहते हैं। अगर आपको ज़्यादा पूछना है तो आप एक अपॉइंटमेंट ले लीजिए। विकास शर्मा, हेलो सर। हेलो जी विकास, कैसे हैं आप?